और जनता के प्रयासों से एक समय ऐसा आ गया था जब करनाल में कोरोना के इक्का दुक्का केस रह गए थे, जिससे आमजन और स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली थी। लेकिन बीते 10 दिनों में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और दिन प्रतिदिन बढ़ते केसों की संख्या सामने आने लगी है, जिसे एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। हालांकि कोरोना की वैक्सीन भी लग रही है, लेकिन बावजूद इसके केस लगातार बढ़ने से चिंता भी सताने लगी है। जिस प्रकार से सीएम सिटी करनाल दिल्ली और पंजाब के लगातार संपर्क में रहती है, उससे वहां आने जाने वालों के कारण केसों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वह लापरवाही ना बरतें और कोरोना को हराने के लिए सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उनका अच्छे से पालन करें, ताकि ये बीमारी फिर से अपने पैर ना पसार सके और ऐसा ना हो कि जिस तरह पिछले साल इस बीमारी ने आतंक मचाया है वह दौर फिर से ना आ जाए। इसलिए करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने समाचार एक्सप्रेस के साथ विशेष बातचीत में विस्तार से जानकारी दी और लोगों से अपील की कि इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि इसका खतरा अभी टला नहीं है। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सिविल सर्जन कार्यालय में और मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश, जिन्होंने जिनकी जी तोड़ मेहनत और इनके जितना भी डिपार्टमेंट है जिनकी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनके जी तोड़ मेहनत और इनके स्वास्थ्य इनके विभाग के द्वारा जो मेहनत की गई थी उसने कोरोना को ऑलमोस्ट हमारे सीएम सिटी में ख़त्म कर दिया था। पिछले 2-3 महीनों में ना के बराबर केस आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस फिर बढ़ते आ रहे हैं। अब इसको लेके स्वास्थ्य विभाग की क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या गाइडलाइंस हैं, क्या उनके प्रोटोकॉल हैं, क्या उन्होंने कोई और प्लान एक्शन प्लान तैयार किया है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। डॉक्टर साहब, आपके जो प्रयास रहे थे, जनता के प्रयास रहे थे, उसके माध्यम से हमारे करनाल में जो कोरोना था वो 0 के ग्राफ तक आ गया था और इसके अलावा जो लोगों के ठीक होने की रिकवरी रेट था वो लगभग 98% से ऊपर चला गया था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में देखने में आ रहा है कि लगातार डे बाई डे केसेज इंक्रीजेज होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि करनाल में कहीं ना कहीं मिड फेबररी तक हम काफ़ी आश्वस्त थे कि हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 0.2-0.3 के आसपास आ चुका था, जिसमें कि पब्लिक की और सभी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी योगदान रहा है, तो हम उस स्टेज को अचीव कर पाए थे। परंतु कहीं ना कहीं ये देखने में आया था कि बार बार हम अपील भी कर रहे थे कि अभी कोविड का जो खतरा है वो टला नहीं है, केसेस इक्का दुक्का ही आए लेकिन फिर भी केसेस कहीं ना कहीं आ रहे थे, तो इसलिए हमें अपना जो सुरक्षा चक्र है, अपना गार्ड है, वो उसको कम नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में पब्लिक ने जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट नॉर्म्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ढिलाई बरती गई। मास्क आप देखेंगे बिल्कुल ना के बराबर ही लोग पहन रहे हैं, अगर पहनने भी हैं तो वो अप्रोप्रिएटली नहीं पहने होते, केवल चिन के ऊपर मास्क होता है। हमारा जो रूटीन के कार्य हैं, क्योंकि सारे तकरीबन शुरू हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहे, फंक्शंस हमारे रेगुलरली अब होने लग गए, चाहे पार्टीज़ हों चाहे सोशल गैदरिंग्स हों, वो सारी चीज़ें होनी, और ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं फोकस बनने के लिए। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे अब क्योंकि स्कूल्स भी शुरू हो गए हैं, बच्चों को बार बार वहाँ पर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना थोड़ा उसमें भी दिक्कत आती है, तो ये देखने में आया है कि पिछले 10 दिन से कहीं ना कहीं केसेस में कोई बढ़ोतरी हो रही है। हम फिर बार बार अपील करते हैं पब्लिक से कि कृपया इस बात को समझें, अभी कोविड का खतरा कहीं गया नहीं है, अब कोरोना जो है वो आपके ही अगल बगल में कहीं ना कहीं केसेस निकल रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जैसा कि न्यूज़ में भी सबको पता है कि डिफरेंट स्टेट्स में और स्पेशली हमारी नेबरिंग स्टेट पंजाब है और इवन दिल्ली है, वहाँ पे भी केसेस जो है बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें और भी ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। करनाल में क्योंकि कहीं मेन जीटी रोड पे है और दोनों जगह दिल्ली और पंजाब से लगातार संपर्क में रहते हैं और काफ़ी आना जाना रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए हमें आगे से भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही डिसाइसिव फेज़ है। इसमें हम ऑलमोस्ट उसको ख़त्म करने के कगार पे थे और वैक्सीनेशन भी चल रहा है। वैक्सीनेशन जब तक सोसाइटी में ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रॉपर ना हो जाए 70% प्लस, तो हमें किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतनी। देखिए, मैं आपको बता दूँ, इन्होंने बताया कि हम ऑलमोस्ट
उसको शून्यों के कगार पर ले आए थे, ख़त्म करने के कगार पर ले आए थे, और हमें श्योर भी थे कि कोरोना ख़त्म हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे द्वारा लापरवाही बरती गई है, जनता के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, फिलहाल भी बरती जा रही है, वह कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ावा दे रहा है। इनका फिर भी ये कहना है कि कोरोना का खतरा भी टला नहीं। सर, अगर हम इसको कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन कहें, क्या इसमें कोई अतिशयोक्ति है या नहीं? नहीं, ऐसा कोई साइंटिफिक इसका कोई अभी कोई किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं है कोई इस एरिया में कोई ऐसा स्ट्रेन है। बट वो बेसिक जो प्रिकॉशंस जो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम बहुत से जो व्हाट्सएप और इस तरह मीडिया में या अपना जो इस तरह के बातें उसमें आती हैं कि कोविड तो चला गया है, ख़त्म हो गया, ये तो है ही नहीं है, बिल्कुल बनाई गई बात है, वो चीज़ें सारी कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी ढलाई में, और उसके कारण लोग प्रॉपर नहीं पहनते हैं, और जो पहनते हैं उनको भी लोग किसी ना किसी तरह से ये कहते हैं कि आप क्यों डर रहे हैं, अभी तो कोविड है नहीं, वो जो कि बहुत ही गलत बात है। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, डॉक्टर योगेश शर्मा ने हमें बता दिया, विस्तार से हमें जानकारी दी कि करनाल जो है पंजाब और हरियाणा के प्रॉपर टच में रहता है। पंजाब में केसेस आ चुके हैं, हरियाणा में दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा 13 स्टेट्स के अंदर कोरोना ने दोबारा से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर केंद्र सरकार द्वारा अपनी टीमें भेजी गई हैं वहां पर देखने के लिए कि कोरोना का आखिरी स्टेटस क्या है, उसकी स्टेज कौन सी है। हम इनके माध्यम से एक बार फिर आपसे अपील करते हैं कि जो भी कोरोना गाइडलाइंस थी, चाहे वो मास्क डालना था, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग थी, चाहे वो सैनिटाइजर का उपयोग था, चाहे वो हर थोड़े थोड़े समय के बाद अपने हाथों को धोना था या फिर एक दूसरे से मिलने से बचना था, इन सब चीज़ों गाइडलाइंस का पालन करें और कोरोना को ख़त्म करने में स्वास्थ्य विभाग का पूरा सहयोग करें। सर, अगर हम अब बात करते हैं करनाल में वैक्सीनेशन की, करनाल में वैक्सीनेशन का कितना स्टेटस और डेली कितने लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं? देखिए, अभी 2 फेजेस जो हमारे वैक्सीनेशन के हुए हैं, जिसमें कि पहले हेल्थ वर्कर्स को लिए दी जा रही थी, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को शुरू किया गया था। तो जो हमारे रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो लगभग उनमें से हमने 77% जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन दे दी है, और जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनमें कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, 58% जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो अभी जो को वैक्सीन दी जा चुकी है। तो मैं फिर चाहूँगा कि जितने हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो इस बात को समझें कि सरकार आपको एक प्राथमिकता के आधार पर आपको शुरू में वैक्सीनेशन लगवा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। सभी अधिकारी जितने डिपार्टमेंट्स के हैं वो सभी उन्होंने लगवा के एक एग्जांपल सेट किया है कि ये बताने के लिए कि किसी तरह की घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है। तो मैं फिर जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो हेल्थ केयर वर्कर्स भी अभी जिन्होंने नहीं लगाई, वो तुरंत इसको अपने आने वाले 2-3 दिन में मैक्सिमम फर्स्ट डोज इसको लगवाएं, क्योंकि उसके बाद फिर हम होपफुली जो है आगे थर्ड फेज़ में हम शुरू करेंगे, जिसमें कि 50+ जो भी गाइडलाइंस आएंगी उसके अकॉर्डिंगली वैक्सीनेशन की जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक 77% हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है, जबकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनमें 58% लोग हैं। सर, कहीं ना कहीं हमने सुना भी है लोगों के मन में हिचकिचाहट है वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट को लेके, जबकि उससे पहले आप हमें जानकारी भी दे चुके हैं कि ये दूसरी वैक्सीनेशन की तरह है। जैसे बाकी वैक्सीनेशन लगाते समय किसी को हेडेक होता है, किसी को फीवर होता है, किसी को नोज़िया भी हो जाता है, किसी के बॉडी एक होता है, तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, और इन्हीं सिम्टम्स को लेकर लोगों में कहीं हिचकिचाहट भी है। इस हिचकिचाहट को दूर करने के लिए आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो अभी तक फ़िलहाल वैक्सीनेशन से बच रहे हैं? देखिए, इसमें मैं हम फिर ये बताना चाहेंगे, नॉर्मल वैक्सीनेशन जब हम अपने बच्चों को भी करवाते हैं उनमें भी कुछ बच्चों को हल्का फीवर, इरिटेबिलिटी, इसी तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये अडल्ट वैक्सीन है, क्योंकि हम अडल्ट हैं और हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है। अब हम इतने इंडिया में हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो किसी तरह की इसके साथ रिलेटेड कोई ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो माइल्जिया और हल्का सा फीवर वो भी किसी किसी को आता है, और वो सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट के साथ वो एक दिन में ठीक भी हो जाता है। तो मैं फिर इसीलिए अपील करना चाहूँगा कि देखिए, इसी को दूर करने के लिए जो हिचकिचाहट किसी के मन में है, जिला के सभी जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो माननीय डिप्टी कमिश्नर हों, SDM हों,
और ADC हों, मैंने खुद और सभी डॉक्टर लीडिंग डॉक्टर्स जो हैं IMA के, उन सभी ने इस वैक्सीन को लगवाया है और हम अभी तक सेकेंड डोज भी लगवा चुके हैं। तो किसी प्रकार भी किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी का नंबर आता है तो उसको तुरंत बिना हिचकिचाहट के वैक्सीन को लगवाना चाहिए। डॉक्टर योगेश शर्मा ने हमें बता दिया कि जो लोग वैक्सीनेशन करवाने से डर रहे हैं उनके मन में जो भी हिचकिचाहट है उनकी हिचकिचाहट को दूर करने के लिए इन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी कि जिस तरह से नॉर्मल वैक्सीन लगने के बाद कुछ तरह के सिम्टम सामने आते हैं वैसे ही सिम्टम इसमें सामने आ रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, खुद वॉलंटियर बनकर सामने आएँ और वैक्सीनेशन लगाएं जब उनका नंबर आता है ताकि कोरोना खत्म किया जा सके। सर अगर हम बात करें अब करनाल में डेली सैंपलिंग की तो डेली कितने सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं? देखिए सैंपलिंग हमारी कब चाहे हमारे केसेस बिल्कुल ख़त्म ऑलमोस्ट एक दो पे सैंपल आ गए थे ये तो तब भी हमारी सैंपलिंग पूरी उसी तरह से होती रही है। हमारा डेली एवरेज जो है अराउंड 1200 से 1500 के बीच का जो एवरेज है वो हमने मेंटेन करके रखा हुआ। अभी भी हमारी 1000 से 1500 के बीच में डेली जो सैंपलिंग हो रही है। इसमें भी मैं ये अपील करना चाहूँगा अपने सभी सोसाइटी में कि हमें कहीं भी थोड़ा सा भी कोई सिम्टम लगता है तो इमीडिएटली आप अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट बिल्कुल फ्री है और लगभग हमारे 30 केंद्रों में डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वो करवाया जा रहा है। सभी PHC CHC और डिस्ट्रिक्ट जो हमारा सिटी है सिटी में भी लगभग 5 जगह पे ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फ्री ऑफ कॉस्ट के, प्राइवेट सेक्टर में भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जो हमारे कुछ हॉस्पिटल जो कलेक्शन सेंटर हमने बना रखे हैं वहाँ पर आप जाके अपना सैंपल दे सकते हैं। देखिए मैं ये थे हमारे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से कोरोना का जब अब कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ रहा है डे बाय डे, जब 1 या 2 तक पहुंच गया था लेकिन अब दोबारा से इसका ग्राफ डे बाय डे बढ़ रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है, हम इस लापरवाही को नहीं बरतना चाहिए, जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस हैं उनका प्रॉपर पालन करना चाहिए। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति में किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम्स नजर आ रहा है उसे तुरंत अपना कोविड टेस्ट करवा लेना चाहिए। जिले में 30 स्थानों पर यह निःशुल्क किया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर भी हैं जहाँ पर इनके द्वारा निःशुल्क टेस्ट की व्यवस्था की गई है। मैं एक बार समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से और डॉक्टर योगेश शर्मा के माध्यम से आम जन से और सभी से अपील करना चाहूँगा कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोविड अभी टला नहीं है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लें। जरा से भी सिम्टम आते हैं तो आप सिविल हॉस्पिटल में जाकर या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपने निःशुल्क जाँच करवा सकते हैं, अपने टेस्ट करवा सकते हैं और जो भी गाइडलाइंस है जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइंस को जारी किया गया आप उन्हें कृपया उनकी पालना जरूर करें ताकि आप भी इस बीमारी से बचे रहें और हमारा करनाल एक बार फिर से ऐसे स्टेज पर आ जाए जहां पर केसेस ना के बराबर थे। मैं तरुण मदान सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी से समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।